नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए सांसद खेल महोत्सव 2024 का आगाज किया। इसके तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे चरण का बीते 27 अगस्त को मांडू विधानसभा क्षेत्र के घाटों स्थित 15 नवम्बर फुटबॉल मैदान में विधिवत शुरुआत हुई थी, जिसका शानदार समापन 6 दिनों के बाद रविवार को यहां हुआ। इस टूर्नामेंट में क्षेत्र की कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें सभी टीमों को पछाड़कर ASFC लयो बनाम FC बंजी की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। रविवार को यहां नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल मुकाबला का आगाज ASFC लयो बनाम FC बंजी की टीम के बीच हुआ, तो पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भर गया। इस क्षेत्र के खेल प्रेमियों में इस टूर्नामेंट के प्रति गजब का उत्साह देखा गया। फाइनल मुकाबला दोनों टीमों के बीच जोरदार और बेहद संघर्षपूर्ण हुआ। दोनों टीमों के बराबर प्रदर्शन के बाद पेनल्टी शूटआउट के जरिए FC बंजी की टीम ने 5-3 गोल से ASFC लयो की टीम को पराजित कर इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। इस मौके पर उपस्थित खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट सांसद खेल महोत्सव 2024 के तहत आयोजित है, जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी 22 प्रखंडों में आयोजित होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।